हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, यानी कि हम लोग बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला निकालेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इस फिगर को समझिए, हमने क्या क्या किया है। यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए और बी बिंदु है दो, जिसमें ए पर क्या है माइनस क्यू आवेश है और बी पर क्या है तो प्लस क्यू आवेश है, और दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है 2L है। ठीक, और वैद्युत द्विध्रुव और ये वैद्युत क्षेत्र के बीच एक थीटा कोण बन रहा है। ठीक, तो इसको लिखना होगा, तो लिखेंगे कैसे कि माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें वैद्युत द्विध्रुव बिंदु ए और बिंदु बी है, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश, दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है 2L है, और इसके वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच बना कोण क्या है तो थीटा है। ठीक है, और दोनों आवेश के बीच की लंबवत दूरी क्या है तो ए सी है, ए और सी, इतना आप लोग लिख लीजिएगा तो बेटर रहेगा। और आगे हम चलते हैं। अब आते हैं कि बल युग्म आघूर्ण क्या होता है। देख, बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है, देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है और ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो इस पर भी बल लगेगा, फोर्स इस पर भी लगेगा, प्लस क्यू चार्ज पर भी और माइनस क्यू चार्ज पर भी। ठीक, तो बल युग्म आघूर्ण क्या होता है कि दोनों आवेशों वैद्युत द्विध्रुव में लगने वाले बल बल और बल के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि एफ इंटू लंबवत दूरी क्या है ए सी है। ठीक, बल युग्म आघूर्ण क्या हो गया F इंटू ए सी, यानी कि बल और बल के बीच लगने वाला बल और बल के बीच लंबवत बल और दोनों आवेश के बीच की लंबवत दूरी वो क्या कहते हैं बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। बल युग्म आघूर्ण को टाउ से सूचित करते हैं, टाउ बराबर होता है F इंटू यहाँ पर ए सी हो गया। ठीक, तो अब आगे देखिए क्या होता है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा E इक्वल टू F बाई सॉरी हाँ एफ बाई क्यू, तो एफ बराबर क्या हो जाता है क्यू इंटू, हाँ ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे हमने ये बता दिया है पीछे के वीडियो में, तो आप उसे जाकर देख लीजिए। ए ई बराबर एफ बाई क्यू, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा इसको इस पार भेजेंगे तो क्यू इंटू ई। तो अब देखिए यहाँ पर थीटा कोण है, तो हम क्या करेंगे एफ के जगह पर क्या लिख सकते हैं ई लिख सकते हैं, एफ के जगह पर F के जगह पर Q into E लिख सकते हैं या tau equal to Q into E into S। ठीक, अब आगे देखिए आगे क्या होता, ये थीटा है यानी कि साइन थीटा, ये त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब आइए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है एसी है, अब बटा में कर्ण क्या है, कर्ण यह सबसे बड़ी भुजा, तो ए और बी, तो ए बी की दूरी कितनी है 2L, तो एसी बटा 2L। अब हमको निकालना हो, हमको क्या निकालना हो एसी निकालना हो, तो एसी कैसे निकालेंगे एसी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको एसी निकालना है तो बटा में इसको उस पर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा 2L साइन थीटा, एसी का मान कितना आया 2L साइन थीटा। आगे देखिए तो क्या करते हैं एसी जहां है वहां पर हम 2L यानी कि एसी का मान रखते हैं कितना आया 2L साइन थीटा। चलिए क्या हो जाएगा टाउ इक्वल टू क्यू इंटू ई गुने में 2L साइन थीटा। ठीक, अब देखिए अब आगे क्या हो जाएगा इसको आगे पीछे कर लेते हैं, तो 2QL ई साइन थीटा, 2QL sin थीटा, और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि P इक्वल टू क्या होता है 2QL, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है,
देखिए 2QL के जगह पर हम P लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्यों नहीं, तो tau बराबर क्या हो जाएगा, P E sin theta। यही क्या आया हमारा वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी बल युग्म आघूर्ण का क्या आया फॉर्मूला है, क्या आया P E sin theta। अब इसमें दो शर्त है, क्या क्या शर्त है, कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के समांतर क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव हो जाए, यानी कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसके समांतर हो जाए वैद्युत द्विध्रुव, तो थीटा का मान जब 0 हो तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पीई साइन और थीटा के जगह पर 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो टाउ का मान कितना हो गया, यानी बल युग्म आघूर्ण कितना हो गया, तो 0 हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, यानी कि वैद्युत ध्रुव क्या हो जाए, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाए, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, तो क्या होगा, तो देखिए आगे क्या होता है, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा पीई और साइन 0 डिग्री, यहाँ पर 0 था तो 0 रखे, तो साइन थीटा यानी कि थीटा के जगह पर 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा पीई साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 से गुना होगा तो पीई हो जाएगा, सिंपल पीई। तो ये दो शर्त थे, पहला शर्त था कि अगर थीटा का मान 0 हो जाए तो टाउ यानी बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और दूसरा क्या था कि अगर थीटा लंबवत यानी थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, टाउ पीई, सिंपल पीई हो जाएगा। तो ये हमारा डेरिवेशन है, आप इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय जानने से पहले आप जान लीजिए घन कोण क्या होता है। तो घन कोण देखिए, हमने ये फिगर बनाया है, पहले इसको समझिए, हमने क्या किया है कि एक पृष्ठ, मान लीजिए कि ये पृष्ठ है, एक एस इसको मान लिया, एक पृष्ठ है और ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है और यहाँ से यहाँ ये पृष्ठ है और ये क्या है आर यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या है इस पृष्ठ का, इस पृष्ठ की त्रिज्या है। और हमने क्या किया कि ये इधर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक, और ये एक पृष्ठ डीएस यानी कि सूक्ष्म अल्प पृष्ठ यानी कि कम पृष्ठ, ये एक बड़ा सा पृष्ठ है, एक बड़ा सा पृष्ठ है, इसका एक छोटा सा पृष्ठ यानी कि छोटा सा भाग डीएस लिया और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या किया, लंब डाला, एल लंब डाला, इसके बीच कोण बन रहा है थीटा, ठीक है। तो घन कोण हम किसे कहेंगे, ये पृष्ठ है तो किसी पृष्ठ के किसी बिंदु पर बना कोण को ही हम क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये जो कोण बन रहा है इसी को क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे, यानी कि डी ओमेगा से सूचित करते हैं घन कोण को। तो घन कोण को परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी पृष्ठ के किसी बिंदु पर बना कोण घन कोण कहलाता है, इसको लिख देते हैं। किसी पृष्ठ यानी सतह, किसी बिंदु पर बना कोण घन कोण कहलाता है, घन कोण यानी डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए ये तो एक छोटे से पृष्ठ के लिए था, ये एक छोटे से पृष्ठ के लिए घन कोण था, तो बड़े से पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी ओमेगा हो जाएगा, ये घन कोण डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा समाकलन डी ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठ के लिए ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी ओमेगा, आगे देखिए, या ओमेगा है ये डब्लू की तरह दिख रहा है आपको,
ये ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू डी ओमेगा का मान देखिए यहाँ पर क्या है, डी एस, तो समाकलन लगाएंगे डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर का समाकलन डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर का मान होता है 4 पाई, इसको आप लोग याद रखिएगा कि ओमेगा यानी कि सॉरी डी समाकलन डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है, तो 4 पाई होता है, इसको याद रखिएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे है कि आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व क्या होता है कि किसी चालक के एकांक लंबाई या फिर क्षेत्रफल या फिर आयतन पर उत्पन्न कुल आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व किसे कहेंगे, तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल या फिर लंबाई या फिर आयतन पर उत्पन्न कुल आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, आवेश घनत्व कहेंगे। तो मान लीजिए कि यह चालक है, इस पर आवेश है, इस पर आवेश उत्पन्न होता है, इसके एकांक लंबाई पर चालक है, तो इसकी लंबाई, लंबाई को एल ले लेते हैं। तो इसके क्या है कि एक चालक है, तो आवेश घनत्व क्या होता है, किसी चालक के एकांक, इसमें लंबाई है तो एकांक लंबाई पर उत्पन्न कुल आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहेंगे, आवेश घनत्व कहेंगे। अगर इस पृष्ठ रहे और इस तरह का चालक रहे तो इसमें क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश। अगर इस तरह का रहे तो इसमें क्या हो जाएगा, आयतन, यानी कि आयतन पर, किसी चालक के आयतन पर उत्पन्न कुल आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व। वो आगे हम पढ़ेंगे, पहले आप आवेश घनत्व को समझिए। आवेश घनत्व क्या होता है, तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल या फिर लंबाई या फिर आयतन पर उत्पन्न कुल आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं, यानी कि चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो चलिए इसको लिख देते हैं, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल या फिर लंबाई या फिर आयतन पर उत्पन्न उत्पन्न आवेश की मात्रा को, कुल आवेश भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, तो आवेश घनत्व कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखिए आवेश घनत्व का संकेत क्या होता है, संकेत यानी कि प्रदर्शित किस किस से करते हैं, तो इसको 3 चीज से प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन, एक हो जाएगा लैम्डा या फिर सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, इसको लैम्डा या फिर सिग्मा या फिर क्या, तो डेल्टा, पी की तरह डेल्टा, इसको संकेत है लैम्डा या फिर सिग्मा या फिर रो, इसको रो पढ़ते हैं, इसका संकेत यह है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे है कि आवेश घनत्व के प्रकार, तो आवेश घनत्व के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन, तो एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, पहला रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको समझिए, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, मान लीजिए कोई चालक, ये कोई चालक है, तो किसी चालक के एकांक लंबाई पर, इसके एकांक लंबाई पर उत्पन्न कुल आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, तो रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए क्या हमने बोला, कि किसी चालक के
एकांक लंबाई पर इसके लेंथ पर उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, उत्पन्न आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कि किसी चालक के एकांक लंबाई पर उत्पन्न आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं, लैम्डा बराबर हो जाएगा आवेश यानी कि क्यू बटा, और क्या है, क्यू बटा एल, लंबाई पर उत्पन्न हो रहा है एकांक लंबाई पर तो एल हो जाएगा, क्यू बाई एल यानी कि लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, यानी कि एकांक लंबाई पर उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, रेखीय आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, तो आवेश का क्या होता है, कूलॉम होता है, आवेश का कूलॉम होता है। अब बटा में लंबाई का क्या होता है, लंबाई को हम लोग किसमें मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं, तो लंबाई का मीटर कूलॉम पर मीटर, या फिर इसको इस तरह से कूलॉम मीटर इनवर्स, ये भी ये होता है इसका मात्रक, किसका, तो रेखीय आवेश घनत्व का। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं, क्या है दूसरा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दूसरा देखते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये क्या होता है इसको समझिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व, दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि पृष्ठीय यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है, मान लीजिए एक कोई चालक है, अब क्या होगा कि रेखीय आवेश घनत्व में क्या दिखे थे कि एकांक लंबाई पर उत्पन्न आवेश, तो इसमें क्या देखिए, पृष्ठीय कहने का मतलब क्या होगा, पृष्ठीय यानी कि सरफेस, पृष्ठ सतह, पृष्ठ सतह सरफेस, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहने का मतलब क्या होगा कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल सतह, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, उत्पन्न आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको लिख देते हैं, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते है। अब देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे सूचित करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से सूचित करते हैं, सॉरी लैम्ब्डा से नहीं, सिग्मा से सूचित करते हैं, सिग्मा से सूचित करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व को। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए आवेश तो होगा ही होगा, ठीक है, यानी कि क्यू बटा किस पर उत्पन्न, किस पर एकांक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को किससे सूचित करते हैं, ए से, यानी कि एरिया, तो क्यू बाई ए हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश का घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू यानी कि कूलॉम, आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम है, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है ना,
क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी कि सी बाई एम स्क्वायर, यानी कि कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम बटा मीटर स्क्वायर। तो इसको उस पर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में टू हो जाएगा पावर में। तो ये हुआ क्या कि मात्रक हो गया ये कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, एक और है तीसरा जो कि है आयतन आवेश घनत्व, उसको समझ लेते हैं, फिर आगे हम चलेंगे गॉस का प्रमेय पर। तीसरा क्या है, तीसरा है आयतन आवेश घनत्व, यानी आयतन यानी कि वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी। तो इसको समझिए, मान लीजिए ये कोई चालक, क्या है चालक, इसके एकांक आयतन पर क्या है आवेश। तो कैसे परिभाषित करेंगे आयतन आवेश घनत्व को, कि किसी चालक के एकांक आयतन पर उत्पन्न कुल आवेश को ही हम क्या कहते हैं, उत्पन्न कुल आवेश की मात्रा को ही क्या कहेंगे, तो आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। आयतन आवेश घनत्व यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे, क्या कहेंगे कि आयतन आवेश घनत्व कहेंगे कि किसी चालक के एकांक आयतन पर उत्पन्न कुल आवेश की मात्रा को ही हम लोग क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए, किसी चालक के एकांक आयतन पर उत्पन्न आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए, अब आयतन आवेश घनत्व को किसे सूचित करते हैं, तो आयतन आवेश घनत्व को किसे सूचित करते हैं, तो रो से। तो रो इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आवेश यानी कि क्यू बटा, और आयतन है तो आयतन को किससे सूचित करते हैं, वॉल्यूम, वी से वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्यू रो इक्वल टू क्यू बाई वी। तो इसका मात्रक भी देख लीजिए, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आयतन का सॉरी आवेश का कूलम और आयतन का मीटर क्यू, यानी कि कूलम पर मीटर क्यू, या इसको इस तरह से कूलम मीटर माइनस थ्री, ठीक। ये हुआ क्या आयतन आवेश घनत्व का मात्रक और ये फॉर्मूला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब देखिए, अब हमारा टॉपिक है गॉस का प्रमेय। अब इसका फॉर्मूला निकालना है गॉस का प्रमेय का। तो गॉस का प्रमेय, पहले आप इस फिगर को समझिए कि फिगर में हमने क्या क्या किया। तो देखिए, पहले लिखा है लागू, ये गॉस का प्रमेय किसके लिए लागू होता है, तो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, खुले पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता है। किसके लिए होता है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक पृष्ठ एस माना है, क्या किया है, एक पृष्ठ एस माना है, एस और इस पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, तो आर है, और एक बिंदु ओ है, और ओ पर क्या है, एक कोण बन रहा है, क्या डी ओमेगा बन रहा है, ओ बिंदु पर कौन सा कोण बन रहा है, तो डी ओमेगा बन रहा है, ठीक। और एक पृष्ठ डीएस पृष्ठ लिया है, एक पृष्ठ क्या लिया है, डीएस पृष्ठ लिया, एक बड़ा सा पृष्ठ है और इसका छोटा सा एक भाग, यानी कि छोटा पृष्ठ क्या लिया है, डीएस लिया है, और डीएस पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है डीएस पृष्ठ पर। और हमने क्या किया है, एक बिंदु पी यहाँ पर है, पी से पी पर एक बिंदु
लंब डाला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, एक क्या लंब डाला है, लंब डाला है इस पर, इसको नाम दे दिया है पी। और ये दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लंब के बीच के कोण को क्या किया है, थीटा लिया है हमने, थीटा लिया है। और इस पृष्ठ पर कौन सा आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश है। इसी बात को लिखिएगा कैसे, तो माना कि एक पृष्ठ एस है, ठीक, इस पृष्ठ की त्रिज्या आर है, पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ओ बिंदु पर, पृष्ठ के ओ बिंदु पर बना कोण डी ओमेगा है, इस पर एक डीएस पृष्ठ है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ई पर एक लंब डाला, ई पर एल लंब डाला, ठीक, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एल के बीच बना कोण क्या है, थीटा है। तो इसको लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, माना कि एक बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ लेंगे, बंद पृष्ठ एस है जिस पर, जिस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, पृष्ठ की त्रिज्या आर है, क्या है ये, त्रिज्या आर है, ठीक, बिंदु ओ पर, ये जो बिंदु ओ है, बना कोण क्या है, तो डी ओमेगा है, डी ओमेगा है। एक पृष्ठ हमने क्या लिया, डीएस पृष्ठ लिया है, तो लिखेंगे एक पृष्ठ डीएस है, डीएस है जिस पर, डीएस यानी कि छोटा सा पृष्ठ, ये बड़ा सा पृष्ठ का एक छोटा सा भाग, छोटा सा पृष्ठ, एक पृष्ठ डीएस है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता क्या है, ई है, ई है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तथा लंब क्या है, एल है, और ये दोनों के बीच के कोण क्या है, तो थीटा है। ई और एल के बीच बना कोण क्या है, थीटा है। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, हमने लिख दिया है, इतना लिखने से बेटर अच्छा लगता है, ऐसे समझ आता है अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या करेंगे कि जो डीएस पृष्ठ है, ये जो डीएस पृष्ठ है, इस पर कुल फ्लक्स को, फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो इसी फॉर्मूला पर क्या करेंगे, आगे देखिए, लिखेंगे गणना में, लिखेंगे गणना करने अब जा रहे हैं, गणना में क्या लिखेंगे कि डीएस पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा, लेकिन हम लोग किस पृष्ठ पर निकाल रहे हैं, डीएस पृष्ठ पर, तो डी फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी फाई, क्योंकि छोटे से पृष्ठ पर निकाल रहे हैं, तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, क्या हुआ, ई डी एस कॉस थीटा। आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है,
अब आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, ई के जगह पर इतना रखेंगे, तो ई के जगह पर क्या हो जाएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और क्या है, डी एस कॉस थीटा। अब देखिए आगे देखते हैं, डी फाई डी फाई क्या हो जाएगा, तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमने पीछे अभी पढ़ाया है कि वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है, तो होता है डी ओमेगा। इतना का मान डी सॉरी वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, तो वन बाई फोर पाई का मान होता है इतना, तो ये हुआ क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये पढ़ा अभी हमने, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्यू इंटू डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखें, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर का अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है क्या होता है, तो डी ओमेगा होता है, ये होता है। ठीक, अब आगे देखिए, इतना हुआ, अभी इसमें और बाकी है, आगे देखते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो एस पृष्ठ है इससे निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, तो लिखते हैं एस पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या। ये क्या हो जाएगा, तो ये देखिए, ये हो जाएगा फाई इक्वल टू समाकलन डी फाई ई। क्या हो जाएगा, समाकल फाई इक्वल टू समाकलन डी फाई ई। अब आगे देखिए क्या करते हैं, इसी में फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए डी फाई ई का मान कितना है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। तो हम क्या करते हैं, इतना के जगह पर इतना मान रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, फाई इक्वल टू हो जाएगा, अब ये कांस्टेंट है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कांस्टेंट है, तो इसको क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, और ये क्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और समाकलन डी ओमेगा, समाकलन डी ओमेगा। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, फाई इक्वल टू ये हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब आगे देखिए, हमने अभी बताया कि समाकलन डी ओमेगा का मान कितना होता है, फोर पाई, अभी हमने बताया पीछे, तो समाकलन डी ओमेगा के जगह पर क्या रख सकते हैं, फोर पाई रख सकते हैं, रख सकते हैं। अब देखिए आगे, यहां देखिए फोर पाई से फोर पाई कट रहा है, तो क्या बच गया, फाई इक्वल टू वन इंटू में है यानी कि गुना में है, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा आया क्या, गॉस का प्रमेय, तो गॉस का प्रमेय यही हमारा आया। इसको इसका कथन क्या है, गॉस का प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पर उपस्थित कुल आवेश का वन बाई, यानी कि इसको हम कुल आवेश यानी कि क्यू गुना वन बाई एप्सिलॉन नॉट का, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्यू इंटू वन बाई एप्सिलॉन नॉट इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि इसका कथन क्या हुआ कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या
उस पर उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही हमारा गॉस का प्रमेय है, आप लोग इसे ध्यान इसे याद रखिएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।